नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना एमपी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात इंदौर की। क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है। अवैध गैस सिलेंडर किए गए हैं जब्त। खजराना इलाके का यह पूरा मामला है जहां पर अभी भी सर्चिंग जारी है। कई मकानों पर क्राइम ब्रांच की रेड पड़ी है, तो अवैध गैस सिलेंडर के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है इंदौर में। खजराना इलाके का ये पूरा मामला, यहां पर रेड मारी गई है और अब इस पूरे ही मामले में जांच जारी है। अवैध गैस सिलेंडर जब्त किए गए हैं। खजराना इलाके का ये पूरा मामला है, अभी भी सर्चिंग यहां पर जारी है। कई मकानों पर क्राइम ब्रांच ने रेड मारी है। हरदा भीषण अग्निकांड के बाद मध्य प्रदेश में लगातार कार्रवाई जारी है। खास तौर पर ऐसी जगहों को चिन्हित किया जा रहा है जहां पर बारूद रखा हुआ है या पटाखे के जो फैक्ट्री है या जहां पर अवैध सिलेंडर को रखा जाता है और लोग मौत के ढेर पर गोरख धंधा करते हैं। ऐसे चिन्हित स्थानों को कर लिया गया और लगातार वहां पर बड़ी कार्रवाई इस वक्त चल भी रही है। फिलहाल मैं इस वक्त इंदौर के खजाना थाना क्षेत्र के जहांगीराबाद में मौजूद हूं और सबसे पहले एक तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। ये रिहायशी इलाका है, आसपास मकान बने हुए हैं और इस वक्त मैं इस मकान के तीसरी मंजिल पर मौजूद हूं और तीसरी मंजिल सबसे पहले आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूं कि जहां पर इन मशीन से ये जो आप देख रहे हैं घरेलू सिलेंडर, इन घरेलू सिलेंडर से दूसरे गैस में दूसरा जो सिलेंडर है उसमें रिफिलिंग का काम किया जाता है। फिलहाल क्राइम ब्रांच की टीम यहां पर मौजूद है, खाद्य विभाग की टीम यहां पर मौजूद है और बड़ी कार्रवाई चल रही है। और ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये इनका मकान है। इनसे पूछेंगे क्यों, क्या काम करते हो आप? और ये दूसरी बात, ये सिलेंडर आपको इतने सारे कहां से उपलब्ध हो जाते हैं, कौन देता है? ये तो मिल जाते, दुकानों पे मिल जाते हैं ये। और ये घरेलू सिलेंडर जो आपके पास यहाँ रखे हुए हैं, ये तो क्या है, किसी एजेंसी वाले ने, वो क्या नाम इसका, राय जायसवाल के है, उसको रख के गया था, उसके कई साधन में ऑर्डर दिया था तो यहाँ रख गया था, तो मैंने उसको ऊपर चढ़ा के रख दिया। तो ये राजेश जायसवाल नाम सामने आ रहा है और राजेश जायसवाल वो शख्स है कि जो ये सिलेंडर उपलब्ध कराया करता है ब्लैक में। और दूसरी एक तस्वीर मैं आपको और दिखा रहा हूँ कि जो सिलेंडर को पैकेजिंग का काम किया जाता है, ये आप अगर घर आपके सिलेंडर आता है तो आपने देखा होगा ऊपर ये सील पैक रहता है, लेकिन ये सील पैक यहाँ पर किया जाता है और बाकायदा उसके लिए सील पैकिंग के लिए ये जो सामग्री है वो भी यहाँ पर उपलब्ध है। तो राजेश जायसवाल की तलाश जारी है। फिलहाल क्राइम ब्रांच के जो अधिकारी यहाँ मौके मौजूद है, उन्होंने फोन किया, वो नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। दूसरी तरफ सामान जब्ती जो है इस वक्त चल रही है। एक तस्वीर भी आपको और दिखा दें कि आसपास लोग रहते हैं बकायदा, जहां पर ये कार्रवाई चल रही है यहां पर घर बने हुए हैं, लोग खाना बना रहे हैं और लोग यहां पर रहते हैं और ये जो पूरा क्षेत्र है ये पूरी तरीके से रिहायशी इलाका है। रिहायशी इलाके में ये अवैध गोरख धंधा जो है वो चल रहा था, संचालित था और क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई चल रही। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आज कार्रवाई तो की जा रही है लेकिन आसपास के जो लोग हैं शायद उन्होंने भी कभी इसकी जो सूचना है अधिकारियों ने दी। सर, बड़ी कार्रवाई चल रही क्राइम ब्रांच की? क्राइम ब्रांच के साथ में खाद्य विभाग संयुक्त रूप से यहाँ कार्रवाई कर रहा है। क्राइम ब्रांच की मुखबरी थी, उस पर दो जगह ये अवैध गैस सिलेंडर का रिफिल और भंडारण हमें पा मिला है यहाँ पे, और यहाँ पे जब्ती की कार्रवाई कर रहे हैं। लगभग कितने सिलेंडर मिले? और लगभग यहाँ पे 94 मिले हैं शकीर के यहाँ, और वहाँ पे 60 और 49, लगभग 130 सिलेंडर दूसरे पॉइंट पे मिले हैं। अगर सर रिहायशी इलाके में है, रिहायशी इलाके में ये गोरख धंधा चल रहा था, अगर एक ब्लास्ट हो जाए तो आसपास तो शायद 40-50 मकान जो है ये पुलिस की जद में आ जाएंगे निश्चित। किसी भी एरिया में अगर अवैध गैस सिलेंडर या रिफिलिंग होता है और ये तो भारी संख्या में है तो जन सामान्य के लिए बड़ा खतरा है और संबंध में कार्रवाई भी हो रही। और हमने एक अपना नंबर व्हाट्सएप नंबर कलेक्टर महोदय के निर्देश पिछले माह जारी भी किया, तो आम जनता से यही आग्रह है कि उनके इलाके में कोई ऐसी गतिविधि तो प्रशासन और मीडिया के माध्यम से जरूर सूचना दे ताकि कार्रवाई की जा सके। न्यूज 18 भी दर्शकों से यही अपील करता है कि अगर आपके घर के आसपास कहीं पे रिफिलिंग का काम चल रहा है तो उसकी तत्काल सूचना वहां पर जो आसपास जो भी थाना है वहां पर उसकी जरूर दें, क्योंकि ये जो है इसमें कई बेगुनाह लोगों की जान जा सकती है। फिलहाल ये जो बड़ी कार्रवाई है लगातार खजाना क्षेत्र में अलग अलग जो मकान है वहां पर चल रही है और क्राइम ब्रांच और फूड डिपार्टमेंट की संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय बोक्सा, मिथिलेश गुप्ता, न्यूज 18 इंदौर। नरसिंहपुर में अवैध खनन का खेल लगातार जारी है। नर्मदा नदी किनारे अवैध खनन हो रहा है, मशीनों से रेत निकाली जा रही है। खनन माफिया पर पूरी तरह से हाईटेक हो चुके हैं। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद भी हो रही है, आपको बताएं सीसीटीवी से ये लोग निगरानी भी कर रहे हैं। ये तस्वीर नरसिंहपुर की हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर अवैध खनन लगातार जारी है। नर्मदा नदी किनारे मशीनों से रेत निकाली जा रही है, परिस और कोई ध्यान नहीं। ज्यादा जानकारी के लिए आशीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, खनन माफियाओं का आतंक लगातार जारी है पर इस पर कोई नकेल कसने में अभी तक प्रशासन को सफलता नहीं मिल पा रही है।
जी बिल्कुल, ये पूरी कहानी अवैध खनन की है। जो माफिया है यहाँ पे, नर्मदा नदी और शायद नदियां हैं, उन पर जमकर खनन किया जा रहा है। और हद तो इस बात की है कि नर्मदा की धार के बीच से बोट लगाकर और पाइप डालकर उसे खींचने, रेत खींचने का काम किया जा रहा है, जो कि वैध खदानों में भी कहीं नियम संगत नहीं है। नदी के किनारे जो रेत आती है उसको उठाने के लिए वैध खदानों के नियम है, उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि वैध खदाने तो छोड़िए, अवैध खदानें भी जमकर चल रही है। और जिस तरह से माफियागिरी यहाँ लग रही है, उसे समझा सकता है किस तरह से मां नर्मदा की हालत है, उसके साथ जो सहायक नदियां हैं उनकी हालत है, और जो रास्ता है इन खदानों तक जाने के लिए उन पर भी माफियाओं की पूरी निगरानी है। हाईटेक हो गए हैं, सीसीटीवी से नजर रखी जाती है, जो भी निकलने वाले आने जाने वाले लोग हैं उनको पूरा कहीं ना कहीं उन पर नजर रख के इस बात का ध्यान रखा जाता है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो इस चक्कर में जो ग्रामीण है वह भी मूक बने हैं, चुप बने हैं, उनका दर्द है कि कहीं ना कहीं मां नर्मदा के साथ ये गलत किया जा रहा है, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से माफियाओं की हथियारों से लैस है और जिस तरह से उनकी दादागिरी चलती है, उसके चलते कहीं ना कहीं ये लोग भी परेशान है, ग्रामीण भी दुखित है कि वह अपने माँ को बचाने के लिए कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं। और जहां तक प्रशासन की, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए।